तो दोस्तों, आज हम आपको आत्मनिर्भर भारत जो COVID-19 के कारण जो जो परेशानियां हमारे लोगों को, देशवासियों को हुई, मजदूरों को हुई, किसानों को हुई, सभी लोगों को हुई, क्या क्या सरकार ने उनको सुविधाएं दी हैं और हिदायत दी हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोविड के बाद किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की गई। कैसे सहायता प्रदान की गई, देखिए, 3 करोड़ किसानों ने 4.22 लाख करोड़ के कृषि ऋण के साथ 3 महीने के ऋण स्थगन का लाभ उठाया। दूसरा, कृषि ऋणों पर ब्याज दरों पर दी गई सब्सिडी और मान्य शर्तों के साथ कर्ज अदायगी प्रोत्साहन हुआ, जो 1 मार्च को नियत था उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया। आप समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि सरकार ने सुविधाएं नहीं दी हैं, मैं सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो उसने दिया है उसके बारे में बता रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए के ऋण सीमा के साथ साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डों को मंजूरी प्रदान की गई। अब 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए सरकार देती है फसल के लिए, कि आप उसमें फसल कर सकते हैं, उस पैसे से कुछ अच्छा कर सकते हैं, और फिर उसको बाद में आप वापस कर सकते हैं उसके पैसे को बैंक में। देखिए, बहुत ज़्यादा मायने रखता है 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, किसानों को इतनी सुविधाएं दी गई हैं। दूसरा क्या है, कोविड के बाद किसानों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नकदी सहायता प्रदान की गई। नकदी सहायता प्रदान की गई है, देखिए, 1-3-2020 से 30-4-2020 के बीच कृषि में 86,000 करोड़ रुपए के 63 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई। समझिए, 63 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई, और नाबार्ड द्वारा सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मार्च 2020 में प्रदान किए गए 29,500 करोड़ का पुनर्वितरण किया गया। समझिए बात को, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें अप्लाई की हैं। फिर कहता है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए मार्च 2020 के दौरान राज्यों को ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के अंतर्गत 4200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। समझिए, इतनी चीज़ें सरकार आपको दे रही है, प्लीज़ उसका लाभ उठाइए। सर, मार्च 2020 से कृषि उपज की खरीद के लिए मंजूर कार्यशील पूंजी की सीमा राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए 6,700 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। कहते हैं, पिछले 2 महीनों के दौरान पलायन करने वाले शहरी और गरीबों के लिए क्या सहायता प्रदान की गई। देखिए, शहरी गरीबों की सहायता क्या की सरकार ने, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है कि वे पलायन करने वालों के लिए आश्रय की व्यवस्था करें और उन्हें भोजन पानी आदि प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष, मतलब SDRF का इस्तेमाल किया गया। यहाँ एस इसलिए वो स्टेट है और एन होता तो नेशनल होता। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 3 अप्रैल को अपने योगदान का 11,002 करोड़ रुपया जारी किया, ताकि उन राज्यों के SDRF की राशि में वृद्धि हो सके। केंद्र सरकार ने दिया राज्यों को पैसे 11,002 करोड़ रुपये SDRF की तरफ से। को लॉकडाउन के दौरान यानी 28 मार्च 2020 के दौरान शहरी बेघरों के आश्रयों में सफाई से तैयार रोजाना 3 बार का भोजन दिया गया। अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि सरकारों ने यूपी, दिल्ली, एमपी, कई स्टेटों में लोगों को खाना गवर्नमेंट ने भिजवाया है, गरीबों को दिया है खाना, और वो इसी प्रकार से दिया गया है कि जिनके पास नहीं थी व्यवस्था उनकी व्यवस्था की गई है। अब आप कहिए कि आपको भी मिल जाए कि ना आप सक्षम हैं, तो फिर ये तो थिंकिंग गलत है ना। जिनके पास नहीं थी उनको मिला है, और जिनको जो लाभान्वित हुए वो आज भी उस चीज़ को मानते हैं। 12,000 रुपये 107 समूह, आप समझते हैं ना, 107 समूह NGO से बोलते हैं, ने 3 करोड़ मार्क्स के और 1.2
लाख लीटर सैनिटाइजर तैयार किया, इससे शहरी गरीबों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी मिले। न्यूज में आता रहा था कि इतने मास्क बनाए गए, इतने मास्क बनाए गए, बोले हमारे मास्क और सैनिटाइजर का चलन नहीं था, लेकिन इस बीमारी ने इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जो लोग थे शहर में, गरीब थे, वही फैक्ट्री में काम करने जाते, उनको रोजगार भी मिला। ऐसा नहीं कि उनको रोजगार नहीं मिला। गुजरात में स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड RF का वितरण मार्च 2020 में PISA पोर्टल पर प्रायोगिक आधार पर किया गया और मई 2020 में सभी राज्यों में शुरू कर दिया और 15 मार्च 2020 से शुरू अवधि दौरान शहरी गरीबों के 7200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। समझिए, मैं आज भी मानता हूँ कि जो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, जैसे कि एक RSS भी है, उन्हें बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे काम के लोगों ने। लौट रहे प्रवासियों के लिए मनरेगा सहायता, UP ने तो बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया है इसमें कि कैसे मनरेगाओं को उन्होंने रोजगार प्रदान कराया। 13 मई 2020 में 14.62 करोड़ मानव दिवस का कार्य सूचित किया गया। अब तक वास्तविक खर्च 10,000 करोड़ रुपये। मजदूरी चाहने वाले 2.33 करोड़ लोगों केवल 1.87 ग्राम पंचायतों में काम की पेशकश की गई। समझिए बात को, पिछले वर्ष मई के मुकाबले 40 से 50% अधिक लोगों का नाम दर्ज किया गया। समझिए, औसत मजदूरी बढ़ा दी गई भैया, 182 पैसे बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया। कितने रुपये हो गए? 20 रुपये हो गए, बढ़ा दी गई 20 रुपये। और वापस लौट रहे प्रवासियों का नाम दर्ज करने का अभियान शुरू किया गया। बहुत जरूरी था नाम दर्ज करना, भैया चले जाते थे, पूछो कहाँ गए, मुंबई गए, मुंबई में क्या कर रहे हैं पता नहीं, बदली में है कि थाने में है पता नहीं चलता है। अब जहाँ जाएंगे पता होगा गवर्नमेंट को, स्टेट को, और जब भी कोई इस तरह की आपदाएँ आएंगी तो उनको बुलाया जाएगा सम्मान सहित। सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं गवर्नमेंट द्वारा, इस बीमारी के द्वारा जो किया गया, कहना नहीं चाहिए, पहली बात थी हम तैयार नहीं थे, हम अब तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट कभी इस तरह की कोई भगवान ना चाहे आएगी बीमारी तो शायद इतनी प्रॉब्लम हमारे देशवासियों को नहीं होगी। राज्यों संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि कानूनों के प्रावधानों के अनुसार वे प्रवासी श्रमिकों को काम दें। प्रवासी श्रमिकों को इसलिए काम दिया कि क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों साथ रहते थे, सब कुछ बेचारे बेच के आ गए, अब खाने को भी नहीं है। राजस्थान के ऐसे एक इलाका न्यूज में चल रहा था, आदिवासी थे, उन्होंने कहते भैया जब तक काम नहीं करेंगे हम कुछ खाएंगे नहीं, उन्होंने लिया नहीं लॉकडाउन में चारों ने कुछ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उनको काम दिया गया। और गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरेटरी ने इसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है। मानसून में अभी मनरेगा कार्यों को जारी रखने की योजना से पौधारोपण, बागवानी, मवेशियों से संबंधित शेड इत्यादि लगवाए गए। आगे देखिए, श्रम कानून कामगारों को दिए गए फायदे क्या थे। असंगठित कामगारों सहित, पहला पॉइंट है, न्यूनतम वेतन के अधिकार का सामान्यकरण, समयबद्ध वेतन का भुगतान, वर्तमान में सिर्फ 30% लोगों के पर ही न्यूनतम वेतन लागू हुआ। नेशनल फ्लोर वेज की संवैधानिक अवधारणा पेश की गई, इसमें न्यूनतम वेतन के मामले में क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी। बिल्कुल बात सही है, यह इतना फिक्स कर दिया गया कि भैया इनको इतना न्यूनतम वेतन देना है तो देना है, ये नहीं कि सस्ते मिल रहे हैं तो बेचारे को 200 रुपये देने थे, 150 में काम चला दिया, नहीं, 200 रुपये न्यूनतम है, अब 200 रुपये न्यूनतम दीजिए। न्यूनतम वेतन के निर्धारण का सरलीकरण किया गया, इससे न्यूनतम वेतन की दरों की संख्या में कमी आएगी और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा। सभी कामगारों के लिए नियुक्ति पद की व्यवस्था की गई, इससे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य संहिता खतरनाक व्यक्ति के कारण से जुड़े प्रतिष्ठानों पर भी लागू हो, जैसे कामगारों की संख्या 10 से भी कम हो। देखिए,
पहले क्या होता था कि जो फैक्ट्री या लोग थे काम करवा लेते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं देते थे, लेकिन आज इन सब चीज़ों को दी जा रहा है। काम करने को फायदे क्या हुए? अंतर्राज्यीय प्रवासी अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की परिभाषा में ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्ति प्रवासी कामगारों के अलावा प्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता द्वारा नियुक्त प्रवासी कामगारों खुद ही सीधे गंतव्य राज्य को आने वाले कामगारों को शामिल किया गया। और प्रवासी कामगारों के लिए कल्याण लाभ की पोर्टेबिलिटी बनाएगी। ईएसआईसी कवरेज का सिर्फ अनुसूचित जिलों क्षेत्रों की तुलना में संपूर्ण भारत के सभी जिलों और 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों तक विस्तार किया गया। स्वैच्छिक आधार पर 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों तक ईएसआईसी कवरेज का विस्तार किया गया और 10 से कम कर्मचारियों वाले खतरनाक उद्योगों के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से ईएसआईसी कवरेज को अनिवार्य कर दिया गया। ये इसीलिए सब अनिवार्य किया जा रहा है कि लोगों को दिक्कतें ना हों, कि लोगों को दिक्कतें बहुत हुई हैं इस बार। बात केवल इतनी है, फायदे आपको बता दिए। अस्थायी कामगारों गिग वर्कर प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना आई। छटनी शुदा कर्मचारियों के लिए पुनः पोषण कोष की पेशकश की गई। महिलाओं के लिए सभी व्यवसाय खोल दिए गए और सुरक्षा के साथ दांत को काम करने की अनुमति दी गई। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान और निश्चित अवधि वाले रोजगार के लिए गृह छुट्टी 5 साल की तुलना में 1 साल की सेवा पूर्ण करने पर गृह छुट्टी का प्रावधान किया गया। गृह छुट्टी से लोग आ जाते हैं, 5 साल करो करो तभी देंगे, तो नहीं देंगे, तो ये सब चीज़ें 1 साल कर दी गई। और ये जो नियम बदलाव हुए हैं ये अभी इसी दौरान हुए हैं और हमें करना पड़ा क्योंकि बहुत जरूरी था। बहुत ध्यान से देखिए, वैसी लैंग्वेज है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन प्लीज़ देखिए। समान कारोबार और विशेष रूप से MSME के लिए कई उपायों का ऐलान किया गया और व्यवसायों और सहायक कदमों को ठीक से समझाने के लिए बार फिर से उनका उल्लेख किया गया। जैसे MSME सहित सभी व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आपातकालीन पूंजी सुविधा, 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्यों के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं है। जून जुलाई और अगस्त 2020 के महीनों में वेतन के अतिरिक्त 3 महीनों तक व्यवसायों संगठित कामगारों के लिए EPF समर्थन का विस्तार और इससे MSME और अन्य व्यवसायों में लगे कामगारों को अतिरिक्त तरलता मिलेगी। सभी प्रतिष्ठानों और उनके कामगारों के लिए 3 महीनों तक नियोक्ता और कर्मचारी EPF अंशदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया और सरकारी सहायता से बाहर, समझिए बात को, बाहर कामगारों तक 3 महीनों के लिए PMGKP का विस्तार, इससे मध्यम के कर्मचारियों को भी सहायता मिलेगी। EPC और रियायत कंसेशन समझौता से ठेका संबंधित दायित्व पूरे करने के 6 महीने तक के विस्तार द्वारा ठेकेदारों को राहत दी गई। चैरिटेबल ट्रस्टों और नॉन कॉर्पोरेट उद्यमों व्यवसायों को लंबित आयकर रिफंड के रूप में उद्योगों को तत्काल राहत कर दी गई। वित्त वर्ष 2021 की शेष अवधि के लिए शोध पर कटौती TDS और शोध पर संग्रह TCS के दरों में 25% तक कटौती कर विभिन्न कर संबंधी अनुपालन के निश्चित तारीखें बढ़ा दी गई। ये सब चीज़ें देखिए बढ़ाई गई हैं, ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चीज़ें की जा रही हैं, लूमर्स फैलाने से अच्छा है कि हम समझें, इसलिए मैं आज लाया हूँ इस टॉपिक को आपके सामने। प्रवासियों के लिए 2 महीने के लिए निःशुल्क अनाज की आपूर्ति भैया सभी को मिला था, हमें मिला 5 किलो अनाज और चना भी मिला था। विभिन्न राज्यों के प्रवासियों को अनाज की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे प्रवासी जोन तो NFSA हैं और ना ही वे जिस राज्य में ठहरे वहाँ के राज्य कार्ड लाभार्थी, उन्हें 2 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना उपलब्ध कराया गया
8 करोड़ प्रवासियों को लाभान्वित होने की संभावना है। नहीं, नॉर्मल लोग को भी मिला है। 2 महीने के लिए हस्तक्षेप पर 3500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई, समझिए, और यह लागत 100% रूप से भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। राज्य सरकार कार्यान्वयन प्रवासियों की पहचान व पूर्णतः वितरण और विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब कहते हैं प्रवासियों को मार्च 2021 तक भारत की किसी भी उचित दर से दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। वन नेशन वन कार्ड, देखिए कितनी अच्छी बात है, उन्होंने कहा वन नेशन एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। आप कहीं पे भी रहिए, यूपी वाला केरल में जाएगा, राशन कार्ड है, ऑनलाइन अटैच रहेगा, राशन लीजिए, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें पहले से की जा रही थी, लेकिन बीच में बीमारी आ गई, दिक्कत हुई, कुछ राज्यों में किया गया है। और देखिए इस COVID-19 में लोगों के जो राशन कार्ड नहीं बने थे ना, वो भी बन गए, बहुतों के बन गए बेचारों के, 20 दिन लाइन लगती थी लोगों के यहाँ राशन कार्ड में, लेकिन अब की बात तुम बन गए, तो गवर्नमेंट ने काम किया है। प्रवासी परिवार अन्य राज्यों में भोजन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए बन किया जाएगा। यह योजना प्रवासी लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाएगी। 20 राज्यों में शुरू की गई, देखिए अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी से प्रेरित प्रणाली का सुधारण का एक भाग है। 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थी, जो पीडीएस आबादी का 83% है, उन्हें अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर किया जाएगा। और मार्च 2021 तक 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी। सभी राज्यों संघ शासित प्रदेश मार्च 21 तक संपूर्ण FPS ऑटोमेशन संपन्न कर देंगे। प्रवासी कामगारों के लिए किफ़ायती किराए के आवासीय परिसर की तुलना जरूरत ही क्या है। प्रवासी कामगारों शहरी गरीबों को किफायत किराए पर मकान लेने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी क्या हुआ, चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा, जो लोग सक्षम थे जिनके यहाँ लोग किराया रहते थे, उन्होंने कुछ लोगों ने माफ़ किया है, 30 से 40% लोगों ने हेल्प की है, लेकिन 60 से 70% लोगों ने हेल्प नहीं की है, तभी बेचारे भाग के आए हैं। जो इतनी जल्दी से ट्रेन चलवाई थी गवर्नमेंट, तब आते हैं कुछ लोग बेचारे पैदल आए हैं, तो उनके सामने मजबूरी थी, और इसलिए ये भी एक योजना लागू की जा रही है और आने वाले दिनों में चीज़ें लागू हो जाएंगी। सरकार प्रवासी कामगारों शहरी गरीबों के लिए PMAY के अंतर्गत एक योजना शुरू करेगी, ताकि उन्हें निम्नलिखित के द्वारा किफ़ायती किराए पर रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। PPP मॉडल के तहत अंतर्गत रियायत ग्राहियों के माध्यम से शहरों में सरकार द्वारा वित्त पोषित आवासों को किफ़ायती दरों में मिलेगा। विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों, संस्थाओं, संघों को उनकी निजी ज़मीन पर किफ़ायती किराए के आवासीय परिसर बनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है, बनवाना चाहिए, नहीं बनवाया लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं मजदूर, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था कभी की नहीं, क्यों, फालतू में पैसा बर्बाद होता है उनका। लेकिन अब सरकार ने बोल दिया है कि आप उसको कीजिए, तभी लाइसेंस देंगे, देंगे नहीं तो रद्द करना पड़ेगा सरकार को, इसे अब टिकटॉक बंद कर दिया। राज्य सरकारों की एजेंसियों, केंद्र सरकारों के संगठनों को इसी तर्क पर किफ़ायती किराए के आवासीय परिसर विकसित और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मंत्रालय उससे दिशा निर्देश जारी करेगा, बिल्कुल बात सही है, दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं और सभी लोगों को इसका पालन भी करना पड़ेगा। बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। मुद्रा शिशु ऋणों के लिए 1500 करोड़ रुपये का ब्याज उपदान। मुद्रा के तहत छोटे व्यापारियों को सबसे अधिक व्यवधान हुआ है, उनसे उनकी EMI का भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित किया गया है। बिल्कुल हाँ, छोटे लोगों को प्रॉब्लम ये हुई ना कि उनका सब काम बंद हो गया और जो उनकी EMI चल रही थी उनको दिक्कत हुई, तो RBI ने उसके लिए संशोधन भी किया और किफ़ायती भी दी। RBI द्वारा ऋण अधिस्थगन पहले ही प्रदान किया जा चुका है। मुद्रा शिशु ऋण का वर्तमान पोर्टफोलियो 1.62 लाख करोड़ रुपये था, बताओ। भारत सरकार शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीनों के लिए 2% का ब्याज उपदान प्रदान करेगी, या आप कर दो 2% वापस कर देंगे भारत सरकार। इससे मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों को 1500 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
अब सड़क विक्रेताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष केंद्र कार्य सुविधा किया गया है। COVID-19 का सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। किसी को शौक नहीं है कि सड़क पर दुकान लगाने का, वो जीविका के लिए आजीविका के लिए करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, छुआछूत की बीमारी हुई COVID-19, तो बेचारों को दुकान बंद करनी पड़ेगी। सरकार ने ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया, कहा है क्या कहा है, सड़क विक्रेताओं तक ऋण की आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सरकार 1 महीने के भीतर एक विशेष योजना चालू की करेगी। प्रारंभिक कार्यशील पूंजी 10,000 रुपये तक की होगी। समझिए, अगर 10,000 रुपया भी मिल जाएगा बेचारे को तो कुछ ना कुछ तो काम खोल ही लेगा, चाय की दुकान तो बना ही लेगा। अभी लोग चाय नहीं पियेंगे तो अंकल चिप्स की दुकान खोल लेगा, कुछ तो करेगा। 10,000 रुपये बहुत होते हैं, सरकार ने अच्छा दिया है, आपकी दुकान है आपको मिलेंगे। डिजिटल भुगतान को मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा और अच्छे पुनर्भुगतान विभाग के लिए बढ़ा हुआ कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करेगा। समझिए भैया, 50 लाख हैं स्ट्रीट वेंडर्स, 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान करेंगे, बहुत है। आगे देखिए, CLSS के विस्तार के माध्यम से आवासीय क्षेत्र मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन है। मध्यम आय समूह के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना 2017 से शुरू की गई है। वार्षिक आय 66 लाख वहीं आ जाती है। CLS को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया जाएगा। इस योजना से अब तक 3.3 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिला है और सरकार मार्च 2021 तक इसका विस्तार कर रही है। देखिए, CAMPF फंड का उपयोग लास्ट है। हमारे नागरिकों को रोजगार दान किया जाएगा, कितना है, 6,000 करोड़ रुपये है। और इसमें क्या है, राज्य सरकारों द्वारा निधि का क्या है, शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण वृक्षारोपण कृत्रिम पुनर्जन्म जनन सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन वन प्रबंधन मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य और वन संरक्षण और वन जीव संबंध बुनियादी ढांचा विकास शहरी और अशहरी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। जनजातियों आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये COVID-19 द्वारा कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं जो आम जनमानस को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये इसलिए इस टॉपिक को मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके आया हूँ। और ये एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए कि किसानों के लिए है, नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत अनुदान। छोटे और सीमांत किसानों की अपर्याप्तता, वित्तीय संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सहायता की गई है। RBI और ग्रामीण सहकारी बैंक ऋण के लिए मुख्य स्रोत हैं। नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों और RBI की फसल ऋण आवश्यकता के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगा। समझिए, 33 राज्य सरकारी बैंकों, 351 जिला सरकारी बैंकों, 43 RRB को उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण के लिए फ्रंट लोडेड ऑन टैप सुविधा। लगभग 3 करोड़ किसान, ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। समझिए, मई जून में फसल कटाई रबी के बाद वर्तमान खरीफ सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। समझ गए आप लोग, आप सभी का इस वीडियो को 24 मिनट इंडियन गवर्नमेंट की जो चीज़ें उन्होंने लागू की हैं योजनाएं, उनको देखने के लिए, समझने के लिए बहुत ही बहुत